नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में। यह साप्ताहिक राशिफल 23 सितंबर से 29 सितंबर के लिए होगा। हर बार आपको एक बात बताना उचित समझता हूँ, वो ये कि जो राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं, इस वजह से इन्हें सार्वजनिक स्तर पर ही आप माने। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलग अलग राशियों के बारे में, एक एक करके चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किनके लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। सबसे पहले यदि मेष राशि के जातकों से शुरुआत कर लें तो लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपका लाभ होगा, आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपका लाभ, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपकी उन्नति मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ एक बात ये भी जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं स्थानांतरण भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। अब यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं चाहते तो ये आपको खबर थोड़ी सी परेशान कर सकती है। हालांकि हो सकता है कि सप्ताह आपका ट्रांसफर ना हो तो ट्रांसफर होने की कोई सूचना आपको मिल जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि आने वाले किसी वक्त में ट्रांसफर पक्का है, ऐसी कोई सूचना आपको इस सप्ताह मिल जाए, ऐसे योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, लाभ जरूर होगा, ट्रांसफर के साथ लाभ मुझे यहाँ पर निश्चित आपका बनता हुआ नजर आता है। एक बात और कहूंगा कि आप जहां पर भी सड़क पर चल रहे हैं तो थोड़ा सा दुर्घटना से बच के रहिए। खुद यदि वाहन चलाते हैं या फिर खुद नहीं चला रहे हैं, आपका कोई ड्राइवर आपका वाहन चला रहा है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए, तो भी आपको सड़क दुर्घटना से बच के रहने की यहां पर जरूरत जरूर से है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं नई योजनाएं, नई प्लानिंग आप यहां पर बना सकते हैं। नई प्लानिंग हालांकि इस सप्ताह आपको सफल नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में आपकी सफलता मुझे दिखती है। नई प्लानिंग पर आप डटे रहिए, नई प्लानिंग को आप जमीनी स्तर पर लेकर के आइए और दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहिए, आपकी सफलता आने वाले वक्त में मुझे जरूर से दिखती है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि ये जो समय है, ये जो सप्ताह, आपको कार्य की अधिकता, मेहनत जो है वो ज़्यादा दे सकता है, तो इस बात से आपको बच के रहना चाहिए। एक मेष राशि के जातकों के लिए जो मैंने कहा था से भी वही कहूंगा कि वाहन से कष्ट हो सकता है, जो सड़क हादसे हैं या दुर्घटनाएं हैं वो भी आपके साथ हो सकता है। तो आप खुद को, जब आप सड़क पर चलते हैं, खुद वाहन चलाते हैं, वाहन नहीं भी चलाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी रहते हैं, तो भी खुद को संभाल कर रहने की खास जरूरत है सड़क पर। इसके बाद में मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो भाई धन में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। धन में वृद्धि के साथ साथ मैं एक बात और ये कहूँगा कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और इसी के साथ साथ आपकी सफलता भी मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। आपके घर में, आपके परिवार में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई शादी हो, सगाई हो या गृह प्रवेश हो, जिसकी तिथि, जिसकी डेट इस ही निकल जाए और उस वजह से आप में उत्साह रहे, खुशी रहे, तो पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा मुझे दिखता है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की चर्चा करते हैं तो यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना, तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। आप इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट ज़रूर से कर सकते हैं, स्पेशली यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपकी उन्नति दिखती है। आप यदि कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने व्यवसाय में, ज़्यादा पैसा लगा करके कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी सक्सेस दिखती है, आपकी यश वृद्धि दिखती है, प्रतिष्ठा वृद्धि दिखती है, मान सम्मान वृद्धि दिखती है और मानसिक दृष्टिकोण से खुशी उत्साह मुझे यहाँ पर नजर आपके लिए आ रहा है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं या फिर जा भी सकते हैं। यात्राएं आपके लिए अच्छी हैं, सुख देने वाली है, आपके आपके रिश्तों को, आपके पारिवारिक रिश्तों को, एवं दोस्तों के साथ भी जो संबंध है उनको और ज़्यादा मजबूती ये देगी, पोषण साबित होगी ये यात्राएं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। खास तौर पर मैं एक बात ये कहूँगा कि पारिवारिक स्थिति मुझे ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। यात्राएं आप करिए, यात्राओं का योग भी, लेकिन यात्राएं नहीं भी करते हैं तो भी पारिवारिक स्थिति में पोषण ये समय, ये सप्ताह ज़रूर से मुझे देता हुआ नज़र आ रहा है। खास तौर पर संतान प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं उन्हें संतान के इस विषय में कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान ऑलरेडी है तो संतान की किसी विषय में खुशखबरी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर आपके संतान है
वो नौकरी लगने के इच्छुक है, खुद संतान प्राप्ति के या विवाह के इच्छुक है, तो वैसे कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आप खुद भी यदि नौकरी लगने के इच्छुक हैं, नौकरी लगने के लिए बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे थे जिसका कोई इंटरव्यू इस बीच में है, तो उसमें मुझे आपकी यहाँ पर सफलताएं नजर आ रही है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। शुभ समाचार, शुभ संकेत, वो किसी भी वे में हो सकता है। अभी आप नौकरी लगने के इच्छुक थे उस वे में हो सकता है। आप यदि किसी एग्जाम के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे उस वे में हो सकता है। आप विवाह करना चाह रहे हैं, संतान प्राप्ति की किसी प्रतीक्षा में है, तो कहीं ना कहीं शुभ समाचार मुझे मिलता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से ये जो समय है मुझे बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत मजबूत दिखता है। साथ ही साथ एक और बात आपसे कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगाना चाह रहे हैं, जमीन में पैसा लगाना चाह रहे हैं, खेती में या मकान में या किसी फ्लैट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो लगा सकते हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाएं, चाहे आप खुद रहने के पर्पज से लगाएं, ये समय आपके लिए मुझे अच्छा दिखता है। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, आपके लिए मैं एक बात कहूंगा कि यात्राओं का योग तो बनते हुए नजर आते हैं। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है आपका टूर हो, आप नौकरी करते हो या कोई बिजनेस करते हो जिसकी वजह से आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन ये जो समय है ये मुझे उतना खास नहीं दिखता। यात्राओं में परेशानी होगी, हालांकि परेशानी का मतलब ये नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाएगी या कोई हादसा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है पैसा गुम हो जाए, कीमती वस्तु कोई गुम हो जाए, आपको मानसिक तौर पर चिंता हो, तनाव हो, ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है। तो यदि यात्राएं टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, नहीं टाल सकते हैं तो अपनी कीमती चीजों का खास तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, आप यदि इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान स्टूडेंट्स भी रखें, मतलब ओवरऑल आप स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर रखें। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो भाई, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में मुझे उन्नति दिखती है, पदोन्नति दिखती है, आपका इंक्रीमेंट मुझे दिखता है, अप्रेजल दिखता है, तो ओवरऑल नौकरी में मुझे बहुत अच्छे योग में नजर आते हैं। हालांकि बिजनेस में भी योग अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल मैं बिजनेस के लिए कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। यदि आप बिजनेस नहीं भी करते हैं और रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, भूमि में लगाना चाह रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आपको मना करूंगा कि अभी आप रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसा रूटीन इन्वेस्टमेंट आपका चल रहा है वैसे ही चलाते रहिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर मार्केट हो। लेकिन हाँ, नौकरी करते हैं तो नौकरी में मुझे आपके अच्छे दिखते हैं। देखो, नौकरी में कोई आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसे की बात कर रहा हूँ, धन इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत इन्वेस्ट करना है और आपको उसके बदले में चीज़ें मिलती है। तो नौकरी के दृष्टिकोण से उन्नति मुझे यहाँ पर नजर आती है। साथ ही साथ यात्राओं के योग आपके भी मुझे दिखते हैं, कई राशियों के लिए यात्राओं के योग यहां पर इस सप्ताह मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप यात्राएं करते हैं, आपके लिए यात्राएं सुखद होगी और बहुत ज्यादा सुख देने वाली होगी, और सम्मान में वृद्धि भी आपकी यहां पर मुझे नजर आती है, स्पेशली यदि आप नौकरी करते हैं और यदि आप स्टूडेंट हैं तो। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी का किसी न किसी तरह से सहयोग की आप अपेक्षा कर रहे थे, तो वह सहयोग मुझे यहां पर बनता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको धन के सहयोग की जरूरत है, हो सकता है आपको मानसिक सहयोग की जरूरत है, नैतिक सहयोग की जरूरत है, तो मुझे सहयोग जरूर से यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदार का, आपके पार्टनर का सहयोग जरूर से दिखता है। साथ ही साथ एक और बात ये कहूंगा कि सहयोग के साथ आप आगे भी जरूर बढ़ेंगे, आपकी उन्नति मुझे यहाँ पर दिखती है, साथ ही साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि भी दिखती है। चाहे आप कोई भी कार्य करें, चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, चाहे स्टूडेंट हो, ओवरऑल ये समय आपको उन्नति देने वाला है, प्रतिष्ठा में वृद्धि देने वाला है, सहयोग देने वाला है। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, खास तौर पर सिर का, अपने सिर का ध्यान रखें। सिर दर्द जैसी समस्या आपकी यहाँ पर हो सकती है, यदि आपको माइग्रेन है तो खास तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सिर दर्द आपका यहाँ पर ज्यादा आपको कर सकता है। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, नहीं घर परिवार में तो आपके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहां पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, तो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। और यदि वाद विवाद से आप नहीं बच सकते हैं तो थोड़ा सा चिंताओं से जरूर से बच जाइए, चिंताओं से बच जाइए। बोलना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, तो मेरा कहना ये हमेशा रहता है कि आप यदि मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की आपको प्रैक्टिस होती है, तो आपको चिंताएं ज़्यादा नहीं सताती हैं। एक और बात आपसे ये कहूँगा कि आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, आप यदि नौकरी करते हैं तो स्थानांतरण हो सकता है, इवन यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपका स्थानांतरण हो सकता है, कहीं बाहर पढ़ने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं।
और आप जा भी सकते हैं। खास तौर पर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर जरूरत है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपको भी यहाँ पर पारिवारिक दृष्टिकोण से वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, अलगाव हो सकता है, पार्टनर के साथ अलगाव हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ अलगाव हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर भी मुझे आपका अलगाव सेपरेसी बनती हुई नजर आती है, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत जरूर से दिख रही है। इसके अलावा यदि धन के दृष्टिकोण से बात करते हैं, यदि आप इसकी आपकी स्टडी के दृष्टिकोण से बात करते हैं, यदि आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिति और आपकी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में वाद विवाद के चलने की वजह से हो सकता है चिंता में ज्यादा इस समय रहें। फाइनली कुंभ राशि के बाद मीन राशि के जातकों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नया विचार आपको आ सकता है, नई प्लानिंग आप गढ़ सकते हैं, नई प्लानिंग गढ़ने के साथ साथ नई प्लानिंग में सक्सेस भी आपको इस समय मिल सकती है। हो सकता है कि नई प्लानिंग आप बनाएं लेकिन आपको इस सप्ताह इतना समय न मिले कि उसे ज़मीन पर उतार दें, कोई बात नहीं, नई प्लानिंग बनाने पर भी आप समय दे सकते हैं और प्लानिंग भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी आने वाले वक्त में। एक और बात आपसे कहूँगा कि जिंदगी में कोई नया व्यक्ति इंटर कर सकता है, नया व्यक्ति वो हो सकता है पत्नी के रूप में हो सकता है संतान के रूप में हो सकता है आपके आपके होने वाले लाइफ पार्टनर के रूप में हो, किसी भी तरह से दोस्त के रूप में भी कोई हो सकता है, कोई गुरु के रूप में कोई आपके जीवन में इंटर कर सकता है। कई बार ये होता है, आपको पर्सनल एक चीज़ बताऊँ तो एक किताब कभी मेरे जीवन में आई थी और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ऐसा भी कभी आपने सुना होगा, देखा होगा या खुद महसूस किया होगा, तो ये भी एक किसी नई चीज़ का आना आपके जीवन में हुआ, तो किसी न किसी तरह का कोई नई चीज़ आपके जीवन में आएगी जो कि आपकी ज़िंदगी बदल दे, या फिर कम से कम आपका ये जो समय है समय ही बदल दे, आपकी मानसिकता बदल दे, ऐसा ज़रूर से मुझे दिखता है। हालांकि आपके ये जो समय है इस समय उन्नति के योग बनते हुए, सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, कि इनके लिए जो समय जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।